Today I am going to start class 10 maths and topic is trigonometry. What is the definition of trigonometry? It is the branch of mathematics which deals with the measurement of angles and the problems allied with angles. That means angles के measurement के बारे में जो बताया जाता है या उसकी शाखाओं को ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, जिसमें एंगल्स के बारे में जानते हैं और जानेंगे और उसके ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो सच एज टी रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को हम लोग टी रेशियो ही कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल। As you know, in a right angle triangle, one angle is equal to 90 degree, then this type of triangle is called right angle triangle. In right angle triangle, two acute angles B, here A, angle A and angle C, both are acute angles, but I have taken here and C angle as theta. And if you an angle C is taken, then the its opposite side is AB. Then you can say that P is the perpendicular, B is the base, and AC is the hypotenuse. In right angle triangle ABC, let an angle acute angle ABC equal to theta. दो एक्यूट एंगल में एक एक्यूट एंगल मैंने थीटा लिया है, एंगल सी को मैंने थीटा माना है, और जिस एंगल को आप थीटा मानेंगे, जिस एक्यूट एंगल को आप लेके चलेंगे, उसका अपोजिट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। अगर आप एंगल ए को लेके चलेंगे, यहाँ थीटा अगर आप मानते हैं, तो इसका अपोजिट साइड बी सी है, तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा। परपेंडिकुलर और बेस आप चेंज कर सकते हैं, जब ये एंगल आप लेकर चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, जब आप ये एंगल लेकर चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। क्लियर? सो देयर आर सिक्स टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सिक्स छह प्रकार के होते हैं, जो कि मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सिक्स टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर, फर्स्ट इज साइन थीटा, इट्स शॉर्ट फॉर्म इज साइन थीटा, व्हिच वैल्यू इज इक्वल टू पी बाई एच। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दैट मींस कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ टू साइड्स, द रेशियो ऑफ टू साइड्स इज कॉल्ड द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। दो साइड के रेशियो को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। तो इसमें थ्री साइड है, पी बी और एच के रूप में, तो किसका किसका रेशियो लेंगे और उसको क्या नाम दिया जाएगा, इसी के बारे में बताया जाएगा, यही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताया जाएगा आपको। जैसे फर्स्ट है साइन थीटा, तो साइन थीटा, साइन इज द रेशियो ऑफ पी एंड एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम लोग साइन कहते हैं। और चूंकि एक एक्यूट एंगल लेकर चलते हैं, इसीलिए हम लोग साइन थीटा रीड करते हैं। क्लियर? सिमिलरली कोसाइन थीटा, शॉर्ट फॉर्म इज कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ बी एंड एच, बी बाई एच। थर्ड इज टेंजेंट थीटा, शॉर्ट फॉर्म इज टेन थीटा, विच इज द रेशियो ऑफ इक्वल टू पी एंड बी, पी बाई बी। एंड बेस परपेंडिकुलर बाई बेस इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ टेन थीटा। फोर कोसेकेंट थीटा, शॉर्ट फॉर्म इज कोसेक थीटा, विच इज द रेशियो ऑफ एच एंड पी। नेक्स्ट फाइव सेकेंट थीटा, शॉर्ट फॉर्म इज सेक थीटा, विच इज इक्वल टू द एच बाई बी। एंड लास्ट कोटेंजेंट थीटा, शॉर्ट फॉर्म इज कॉट थीटा, विच इज इक्वल टू बी बाई पी। दीज आर द सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जो कि आपको अच्छी तरह से याद करना है और इसी पर आपका बहुत सारा फॉर्मूला और क्वेश्चन बनेगा।
नेक्स्ट टॉपिक इज रिसिप्रोकल रिलेशन। रिसिप्रोकल रिलेशन मींस जो सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको बताया गया जस्ट पहले, उसमें दो रेशियो का मल्टीप्लीकेशन वन के इक्वल होता है। कौन कौन से दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का मल्टीप्लीकेशन वन के इक्वल टू होता है और कौन एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाता है, इसी के बारे में आपको बताया गया। तो फर्स्ट इज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन, दैट मींस ये आपका मेन फॉर्मूला है। यहाँ से आपका दो फॉर्मूला निकलेगा यही रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में। फर्स्ट इज साइन थीटा इक्वल टू वन बाई कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू वन बाई साइन थीटा। कोसेक थीटा इधर आएगा तो डिवीजन के रूप में हो जाएगा, दैट मीन साइन थीटा इक्वल टू वन बाई कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा आकर इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, वन बाई साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन से दैट कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन, दैट मीन्स कोस थीटा इक्वल टू वन बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू वन बाई कोस थीटा। सिमिलरली टैन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू वन, that means tan theta equal to 1 by cot theta and cot theta equal to 1 by tan theta। ये आपका reciprocal relation के बारे में बता रहा है। sin theta cosec theta का reciprocal होता है या cosec theta sin theta का reciprocal होता है। उसी तरह से cos theta sec theta का reciprocal होगा, sec theta cos theta का reciprocal होगा and tan theta cot theta का reciprocal होगा, cot theta ये tan theta का reciprocal होगा। अब इसी को आपको प्रूफ भी आप कर सकते हैं इसे इजीली। जैसे फर्स्ट हमको प्रूफ करना है तो सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मैंने बताया था, उसी की मदद से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन वन के इक्वल टू कैसे होता है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू बैठा दीजिए, वन के इक्वल टू आ जाएगा। जस्ट लाइक स्टेप साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं पी बाई एच होता है एंड कोसेक थीटा होता है एच बाई पी, तो पी पी भी कट गया एच एच भी कट गया, वन के इक्वल आ गया। और इसी तरह से आप इसका भी वैल्यू दोनों को बैठा देंगे, इसी तरह से कट हो जाएगा और वन के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं, तो आप इसे प्रूफ कर लेंगे, अपने से आप कर सकते हैं।